धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय मोदी सरकार ने एक काम बड़ा अच्छा किया, जिन्होंने अनारक्षित वर्गों के बच्चों को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण दिया। लेकिन यदि आप देखेंगे कि चूंकि उसमें ऐसी शर्तें लगाई गई हैं जिनकी वजह से प्रति सीट जो संख्या गरीब परिवारों के अनारक्षित वर्गों के गरीब परिवारों की है वो बहुत कम है। उदाहरण के लिए ये यूपीएससी रिक्रूटमेंट में जहां अनुसूचित जाति के वर्गों के लिए 1950 बच्चे एक सीट के लिए आ रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब में 1355 एप्लीकेंट्स आ रहे हैं एक सीट के लिए, ओबीसी 1225, लेकिन ईडब्ल्यूएस से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से केवल 569। इसी तरह से जितने भी आप कैटेगरीज देखेंगे, इसमें आप चाहे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज हो, इस तरह से हमारे युवतियों का भी यदि संख्या लेंगे प्रति सीट तो वो भी बहुत कम है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उनकी आयु में और उनकी जो दूसरी शर्तें उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। उदाहरण के लिए एससी एसटी वर्ग के जो छात्र हैं उनको केंद्रीय सेवाओं में आयु का रिलैक्सेशन छूट लगभग 5 वर्ष है, ओबीसी के बच्चों का 3 वर्ष है, लेकिन ईडब्ल्यूएस सेक्शन के बच्चों का ये रिलैक्सेशन नहीं है। इसमें मेरी प्रार्थना है माननीय सदन के नेता जी से और हमारे प्रधानमंत्री जी से कि वे इसे इस सेक्शन के लिए भी अनारक्षित वर्ग का जो छात्र छात्राएं हैं उनमें भी एज रिलैक्सेशन उन्हें दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार लगभग 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कई राज्यों ने, जैसे राजस्थान ने 5 साल कर दिया है, गुजरात ने 5 साल कर दिया, हरियाणा ने 5 साल कर दिया, महाराष्ट्र ने, आंध्र प्रदेश ने, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश ने 5 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है। इसी तरह से केंद्र सरकार को भी इसमें एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। इसी प्रकार जो इनकम की जो लिमिट है उसमें कई जगह उन्होंने इनकम की लिमिट भी हटा दी है, उदाहरण के लिए गुजरात और राजस्थान ने। इसलिए मेरी मांग है माननीय सभापति आपके माध्यम से कि इसमें अनारक्षित वर्गों के छात्र छात्राओं को एज में और अन्य शर्तें जो हैं उनमें भी रिलैक्सेशन दिया जाए। धन्यवाद।